chicken jalfrezi and boiled rice. Want this? Ingredients: chicken boneless bell pepper to tomatoes to ginger and garlic 1 plus 1 green pepper 6 spices rice 1/2 kg sweet corn 1 cup. Bismillahirrahmanirrahim. Aaj main banane lagi hoon chicken jalfrezi with boiled rice. To sabse pehle main jalfrezi ready karungi. To jiske liye maine liya hai 1 kg chicken boneless jinko maine chote chote tukdon mein kaat liya hai. टू टमाटोस मैंने चॉप कर लिए, टू अनियन ये भी मैंने चॉप कर लिए, गार्लिक ये ऑलमोस्ट मैंने 10 क्लोव लिए थे जो मैंने छोटे छोटे काट लिए, जिंजर जिंजर का जो मैंने 1 इंच का बड़ा पीस लिया था जिसको मैंने चॉप कर लिए, और ग्रीन पेपर ऑलमोस्ट मैंने 6 ली थी और इनको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है. तो अब स्टार्ट करते हैं जी. अब मैं चिकन जो है उसको मैं फ्राई करने लगी हूँ. सबसे पहले मैं इसको फ्राई करके फिर दूसरा चीज़ें ऐड करूँगी. राइस का मैंने पानी इधर रखा दूसरे चूल्हे पे और इस पर मैं अब राइस जो है बॉईल करूँगी. तो तकरीबन मैंने 1/2 kg जो है ना वो मैंने राइस ली है और मैंने बॉईल करूँगी और मैं उसके अंदर थोड़ी सी एक स्मॉल कैन जो है कॉर्न का वो मैं डालूँगी. इससे चावल बहुत ही खूबसूरत और प्यारे नज़र आते हैं. चिकन मेरा जो है फ्राई हो चुका है. मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गार्लिक और जिंजर. गार्लिक और जिंजर मैं ऐड करके अब मैं इसे फ्राई करूंगी. हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है. अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे. टमाटर ऐड करने के बाद 3 मिनट तक मैं इसे स्टीम दूंगी. फिर इसके अंदर मैं स्पाइसी ऐड करती हूँ. अब मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ. 1 टेबलस्पून मैंने लिया है साल्ट, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है क्यूमिन पाउडर जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है क्रश चिली, 5 मिनट तक मैंने भूनूंगी. फिर मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसी ऐड करूंगी. 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 छोटा कप जो है मैं चिली सॉस और केचप मिक्स करूंगी. और सबसे लास्ट में मैं जो मैंने 2 बेल पेपर ली थी मैंने ग्रीन कलर की तो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी. बेल पेपर मैंने चिकन के अंदर मिक्स कर दी है और अच्छी तरह भून लिया है. तो अब मैं 3 मिनट के लिए इसे स्टीम दूंगी और फिर हमारी चिकन जलफ्रेजी रेडी होगी. तो फिर मैं सर्विंग प्लेट में डाल के मैं आपको दिखाती हूँ. बॉयल राइस आर रेडी. माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी डिश रेडी हो चुकी है. अल्लाह बरकत दे हमारे खानों में. अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे. तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट्स दें. तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ. अल्लाह हाफिज़. सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट्स.